सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई संपन्न होने के साथ ही अब फैसला आने का इंतजार है। कई लोग चाहते हैं कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आए, कई लोग चाहते हैं कि मुस्लिमों के पक्ष में फैसला आए। ऐसे में कुछ प्रगतिशील मुस्लिमों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बने। दरअसल इंदौर में द राइट फाउंडेशन के द्वारा 2 मिनट की एक छोटी सी फिल्म बनाई गई, जिसमें पहल की गई कि यदि फैसला मुसलमानों के पक्ष में आता है तो उन्हें यह जमीन हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए दे देनी चाहिए। हेलो रिजवान, मेरे दोस्त, कैसा है तू? और इस बार दिवाली पर क्या ग्रीटिंग भेज रहा है मेरे लिए? इस दिवाली पर मैं तेरे लिए कुछ खास बना रहा हूँ, और मैं भेज नहीं रहा हूँ, मैं खुद लेके आ रहा हूँ। अरे वाह, आ जा मेरे दोस्त, तेरा इंतजार रहेगा। 6 दिसंबर 1992 मेरे लिए काला दिन। 6 दिसंबर 1992 का दिन तारीख में स्याह दिन के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब इंतहा पसंद और जुनूनी हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को। मम्मी, मैंने सुना है मुसलमानों ने मेरे दोस्त राव के घर पर हमला किया है। हाँ बेटा, पर हिंदुओं ने भी हमारे घरों को कहाँ छोड़ा। सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आज के बाद राहुल चल नहीं पाएगा। मैंने पहले ही कहा था इन गद्दारों से दूर रहना। नहीं पापा, मेरा दोस्त गद्दार नहीं है। रिजवान मेरा दोस्त, मुझे छोड़ के मत जा। रिजवान मेरा दोस्त, पिछले 27 सालों से मुझे ग्रीटिंग्स भेज रहा है, देखते हैं इस बार क्या लाता है। आ गया मेरा दोस्त, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। और इस बार क्या खास लाया मेरे लिए? ये लो बाबरी मस्जिद, इसका तुम्हें कई सालों से इंतजार था। पर अभी फैसला तो आने दो। पर मैंने तो फैसला ले लिया है। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तो फैसला ले लिया है, अब आपकी बारी। इन दोनों अभी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है विवाद, और उसका जल्दी फैसला आने वाला है। इस बीच कुछ प्रगतिशील मुसलमानों का ये विचार है कि यदि कोर्ट मुसलमानों के पक्ष में भी यदि फैसला देती है तो उन्हें ये जगह हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए दे देनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान राम है हिंदुओं के पूज्य भगवान माने जाते हैं। और ये जहाँ तक मुस्लिमों का सवाल है तो कई मुस्लिम अब इस पक्ष में हैं कि देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए ये ज़मीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। इसी सिलसिले में द राइट फाउंडेशन ने हमने एक फिल्म बनाई है, जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में आपसी रिश्तों को गढ़ा गया है, और ये बताया गया है कि यदि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा फैसला आता है जो कि हिंदुओं के विरुद्ध जाता है तो भी मुसलमानों को आगे बढ़कर इस ज़मीन को हिंदुओं को दे देनी चाहिए। तो इस फिल्म बनाने के पीछे यही है कि आने वाले टाइम में यदि जो भी फैसला आता है तो देश में अमन चैन कायम रहे। कुल मिलाकर ये शॉर्ट फिल्म सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।